अस्ताना द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान, बहुत खूबसूरत शहर है यार। बीच में चल रही है, पानी से सड़क को धोती हुई चल रही है भाई साहब। फैसिलिटी देखो तुम, जानबूझ के पब्लिक का अट्रैक्शन पाने के लिए हर बिल्डिंग को डिफरेंट बनाया जाता है यहाँ पे। चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं कि कितना एंटरटेनमेंट है भी या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। हाँ जी, क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक नई दिन में, एक नई वीडियो में। आज मुझे अस्ताना में तीसरा दिन है। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं बताता हूँ कि मैं फिलहाल घूम रहा हूँ कजाकिस्तान में, और एक हफ्ते पहले मैं अल्माटी में था जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर है, और अब मैं तीन दिन से हूँ अस्ताना के अंदर। अस्ताना द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान, बहुत खूबसूरत शहर है यार। और बिल्डिंग्स के तो क्या ही कहने, हर जगह अलग डिज़ाइन की बिल्डिंग दिखाई देती हैं। देखो ठीक, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे ये बिल्कुल ही डिफरेंट बिल्डिंग है, क्या खूबसूरत लग रही है यार, कमाल। सब बिल्डिंगों के डिज़ाइन एक दूसरे से डिफरेंट हैं, जैसे इन लोगों ने कसम खाई हो कि मुझे अलग डिज़ाइन ही बनाना है। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी खान सत्तार एंटरटेनमेंट सेंटर। किस तरह का एंटरटेनमेंट कराता है वहाँ पर, ये जाके ही पता चल पाएगा ठीक से। अभी तक तो मैंने सिर्फ सर्च किया है, तो काफ़ी पॉपुलर प्लेस है, काफ़ी टूरिस्ट जाते हैं। मैंने सोचा क्यों छोड़ा जाए, हम भी देख के आते हैं कि कैसा है। साइड में मैं पिक्चर डालूंगा आपको उसका, तो पिक्चर देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना खूबसूरत है वो। और भाई चलते चलते ना देखो कितनी कमाल की चीज़ दिखाई दी है। रोड के बीच में ये गाड़ी चल रही है, दिख रही है आपको, ये सड़क साफ़ कर रही है भाई पानी से, और दिन के टाइम पे बीच में चल रही है, पानी से सड़क को धोती हुई चल रही है भाई साहब। फैसिलिटी देखो तुम, सड़कें बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए। क्या सर्विस है यार, गजब। और ये जो आप सामने घर देख रहे हो ना, ये सारे घर ऐसे हैं कि ऊपर तो रेजिडेंस है इसमें, और नीचे की तरफ शॉप्स हैं, और कुछ शॉप्स हैं, कुछ ऑफिस हैं, देखो क्लिनिक भी है, और कुछ जनरल स्टोर है, इस तरह की है। लेकिन देखो बाहर से कुछ नहीं समझ में आ रहा मतलब, और यहाँ के लोग तो दो मिनट में समझ जाते होंगे क्या है कहाँ पर। लेकिन इंडियन, एज ए इंडियन आप यहाँ आते हो तो आपको इन चीज़ों को फाइंड आउट करने में टाइम लगेगा। देखो कुछ भी नहीं है, वहाँ से वहाँ तक पूरे में नीचे शॉप्स हैं ये, लेकिन बाहर से नहीं समझ में आ रहे कि किन चीज़ों की दुकान है। केवल एक ये डेंटल का तो समझ में आ रहा है, इसने 3D डेंटल करके लगा रखा है, तो डेंटल का तो समझ में आ गया, और कुछ नहीं समझ में आ रहा। और ये कुछ डॉलर वगैरह के रेट लिखे हुए हैं बाहर, तो ये मनी एक्सचेंज हो सकता है। बस इसी तरह से आइडिया लगा सकते हो आप लोग इन चीज़ों का। उसके आगे एक लिखा है प्रो स्टोर, तो ये कोई स्टोर होगा, और आगे कुछ नहीं समझ मारा भाई। और ये चलते चलते देखो एक मुझे उड़ंत अस्त्री दिखाई दी है, देख लो उड़ंत अस्त्री सी लग रही है यहाँ पर रखी हुई है। बढ़िया लग रही है यार, ये कोई रेस्टोरेंट है। मैं अभी उस तरफ चल रहा था, और ये यहाँ से रास्ता बनाया हुआ है बाकायदा इन्होंने, किसी को थोड़ा बहुत रेस्ट लेना है तो ये ग्रीनरी के अंदर आ जाओ, इस तरह से बनाया हुआ है। एक रोड यहाँ सामने रोड दिख रही है, और एक रोड इधर दिख रही है, और यहाँ पर हर बिल्डिंग के सामने ये इस तरह से जगह बना के रखते हैं फुटपाथ पे, और पौधे वौधे लगा के बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन रखते हैं अपने एरिए को। ये छोटा बच्चा देखो गेम खेल के आ रहा है, कोई लॉन टेनिस समथिंग, क्रिकेट नहीं खेला जाता है यहाँ पर। मैं अल्माटी में एक स्पोर्ट्स स्टोर के अंदर घुस गया, और वहाँ पे भाई मैं पूरा स्टोर छान मारा, लेकिन ना तो वहाँ पे क्रिकेट की मुझे बॉल मिली, ना ही क्रिकेट का बैट मिला मुझे। क्रिकेट को यहाँ कोई सपोर्ट नहीं करता है, क्रिकेट यहाँ नहीं खेला जाता है। और मेरा जो हॉस्टल है, उस हॉस्टल में करीब 7-8 बंदे रुके हुए हैं, लेकिन सारे फॉरेनर हैं, एक भी इंडियन नहीं है, जिनमें कि 4 लड़कियाँ हैं और 5-6 लड़के हैं, और बड़े रूड से हैं साले। मतलब मैं उनसे थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, जो कॉमन एरिया है जब वहाँ बैठ के कुछ खाना वाना खाते हैं, ट्राई करता हूँ बातचीत करने की, लेकिन बड़े रूडली से रिप्लाई करते हैं। आधों को तो इंग्लिश नहीं आती क्योंकि वो रशियन है। जो हॉस्टल का ऑनर है वो भी रशियन है, उसका नाम पॉल है, लेकिन वो अच्छा है बंदा, रशियन है और अपनी कंट्री को छोड़ चुका है, यहीं पर वो जॉब कर रहा है, साथ में स्टडी कर रहा है, और बहुत अच्छा लड़का है। उसको भी फोटोग्राफी का शौक है, उसकी और मेरी हॉबी जो है कॉमन हो गई, इस वजह से उसने मेरे से शायद अच्छे से बात कर ली, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमने एक दूसरे के साथ शेयर करी। तो वो एडिटिंग वगैरह भी करता है, प्रीमियर प्रो से एडिट करता है वो, और मैं भी एडिट वगैरह खुद करता हूँ अपने ब्लॉग वगैरह, और वो इंस्टाग्राम पे रील बना के डालता है, फ़नी वीडियोस बनाता है अपने फ्रेंड्स के साथ में, फ़नी वीडियो वगैरह क्रिएट करता है इंस्टाग्राम पे। सही है बंदा वो भाई, एक ही बंदा है जो हॉस्टल पे जाके मुझे ठीक से ट्रीट करता है, मतलब मेरा मन लग जाता है। और देखो यार कितनी बढ़िया बिल्डिंग आई है सामने,
वाह, ऐसे सीनरी सी बन जाती है एकदम। और एक बिल्डिंग इसके इधर दिखाई दे रही है, गजब ही है यार। इन बिल्डिंग के पीछे जो क्लाउड आते हैं ना, ये जो यहाँ का जो क्लाइमेट है, ये इन क्लाइमेट की वजह से ये बिल्डिंग और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। और ये है किस चीज़ की बिल्डिंग ये पता नहीं, लेकिन इस तरह के यहाँ मॉन्यूमेंट बहुत सारे बने हुए हैं भाई, जगह जगह पे। आप जिस भी गली में निकलोगे हर तरफ आपको ऐसे मॉन्यूमेंट मिल जाएंगे, कहीं कुछ बना रखा है, कहीं कुछ बना रखा है। टूरिस्ट के लिए बहुत चीज़ें हैं देखने के लिए, बहुत चीज़ें। पूरा शहर ही ऐसा है कि टूरिस्ट आराम से कहीं यहाँ फ़ोटो खींच लो, कहीं वहाँ फ़ोटो खींच लो, कि आप आराम से अपनी फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। और रील्स तो भाई इतनी बना सकते हो आप रील्स। मैं अकेला हूँ और मैं अकेले रील्स नहीं ज़्यादा बना पाता, लेकिन अगर आप फ्रेंड्स के साथ में आ रहे हो यहाँ पर, इतनी रील बना लोगे आप, मतलब 4-5 दिन आप रुको, 4-5 दिन में आपका लगभग 6 महीने का कंटेंट निकल जाएगा। इतनी रील्स क्रिएट कर लोगे आप 4-5 दिन में ही। और बैकग्राउंड्स इतनी बेहतरीन बेहतरीन बैकग्राउंड्स मिलेंगी, कहीं पे भी फोटोग्राफी मना नहीं है। आप कहीं भी फोटोग्राफी करो खूब, कोई मना नहीं करता। वैसे तो लोग अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा इंग्लिश की वजह से प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज बैरियर हो जाता है कि एक दूसरे के साथ में हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। लेकिन गूगल ट्रांसलेट ऑपरेट करने में बड़ा ड्रामा लगता है, बहुत टाइम लगता है। काश हमारे दिमाग के अंदर कोई गूगल ट्रांसलेट होता और हम बटन दबा के पर्टिकुलर जो लैंग्वेज चाहिए उसी लैंग्वेज को अपने मुंह से बाहर निकाल देते तो कितना अच्छा होता, तो पूरी दुनिया में हम किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते थे इजीली, बहुत आसानी के साथ। और वो सामने आपको एक ये चौंच सी दिखाई दे रही है भाई, यहीं जाना है मुझे, यही है खान सत्यार एंटरटेनमेंट। अब यहाँ देखो इन्होंने ये हॉर्स बना रखे हैं, कितना खर्चा कर रखा है इस बिल्डिंग के लिए। इस बिल्डिंग खाली पड़ी है, किस लिए है ये भी नहीं समझ में आ रहा। एक मम्मी अपने बच्चे का फोटो खींच रही है यहाँ पे। और कजाकिस्तान के लोग घोड़ों से बहुत प्यार करते हैं भाई, कितनी अजीब बात है ना कि जिस जानवर से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उसी का मीट भी बहुत चाव से खाते हैं। और ये बहुत ही अपने आप में कमाल की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम गाय से भाई बहुत प्यार करते हैं और हम गाय या भैंस का मीट नहीं खा सकते बिल्कुल भी, लेकिन यहाँ पर घोड़ों के लिए इतना प्यार है, फिर भी इसका मीट ये बहुत अच्छे से खुशी के साथ खाते हैं। इनके फेस्टिवल होता है जब कोई बड़ा, तो ये घोड़े का मीट अगर नहीं बनेगा उस फेस्टिवल में तो इनका फेस्टिवल बेकार है। घोड़े का मीट इन्हें बनाना ही बनाना पड़ेगा। शायद ही कोई भूले भटके से कोई नॉनवेज ना खाता हो, कोई वेजिटेरियन शायद ही हो यहाँ पर कोई। और यहाँ पर सारी बिल्डिंग यूनिक बनाई जाती हैं, ये मैंने नोटिस किया है। देखो ये भी टेढ़ी सी है कुछ, है ना, कुछ टेढ़ी सी बिल्डिंग बनाई है जानबूझ के पब्लिक का अट्रैक्शन पाने के लिए। हर बिल्डिंग को डिफरेंट बनाया जाता है यहाँ पे। यहाँ के डिज़ाइन सबसे यूनिक हैं, सबसे डिफरेंट हैं। और एक मुझे अभी एक चीज़ दिखाई दी है भाई, ये कोई रथ दिखाई दे रहा है, इस रथ को कोई चला रहा है, तो क्या ये कृष्ण जी तो नहीं है कहीं? मुझे फ्रंट पे जाके ठीक से देखना पड़ेगा। पहले मैं खान सत्यार को एक्सप्लोर कर लूँ और उसके बाद मैं देखता हूँ कि ये किस चीज़ की बिल्डिंग है, क्या सीन है यहाँ पर। और देखो पैदल चलने वालों के लिए कितना खूबसूरत रास्ता बनाया हुआ है, साइकिल वाले भी इधर से ही जा रहे हैं। और इस लड़के को साइकिल के हैंडल की ज़रूरत नहीं है शायद, आई थिंक इसका साइकिल का हैंडल निकाल लेना चाहिए और बिना हैंडल की इसको साइकिल दे देनी चाहिए कि ले बेटा चला तू, हैंडल की तो तेरे को ज़रूरत ही नहीं है। और अब मैं इसके बिल्कुल नज़दीक पहुँच गया हूँ, ये सामने दिखाई दे रहा है। ये रोड मुझे क्रॉस करके ये लेफ्ट साइड में जाना है, तो उधर की तरफ इसका गेट होगा। काफ़ी बड़ा चौराया है और यहाँ पर चौराहे के बीच में गोल चक्कर नहीं होता, देखो भाई कोई गोल चक्कर नहीं है, सब प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं जा रहे हैं। अब ग्रीन हो गई है लाइट, तो अब हम निकल सकते हैं भाई। तो ये फाइनली मैं आ गया हूँ, अब बाहर आ गया हूँ मैं गेट पे इसके। चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं कि कितना एंटरटेनमेंट है भी या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। और इससे बाहर निकलने के बाद मेरे को सामने वहाँ जाना है उस वाले गेट पे, वो भी एक्सप्लोर करना है कि वो क्या चीज़ है। और यहाँ पर कोई चेकिंग वगैरह कुछ नहीं होती भाई, मॉल के अंदर घुसते टाइम आप डायरेक्ट घुस सकते हो, ना कोई आपका बैग रखवाता है साइड में। बेसिकली ये भी यहाँ का मॉल ही है, लेकिन बहुत फेमस मॉल है यहाँ का, अस्ताना का सबसे फेमस सबसे बड़ा मॉल है और ये इसका सेंटर पॉइंट है। सारी चीज़ें शाम को नहीं एक्सप्लोर कर सकता। हेलो,
सलाम। ये भाई मुझे सलाम कर रहा था। तो इसके पहले बेसमेंट में चलते हैं, बेसमेंट में देखते हैं हम क्या था, क्योंकि मोस्टली लोग उसके अंदर घुसते हैं ना, सबसे पहले बेसमेंट के अंदर ही जा रहे थे, तो पहले वहाँ देख लेते हैं हम। ये ऊपर मॉडल खड़ा कर रखा है देखो, और ये क्या है, इसकी पैंट निकाल दी इन्होंने। ये सही तरीका है यार, मॉडल के साथ बदतमीजी कर रखी है, या फिर शायद ये पब्लिक का अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचने की वजह से उसके साथ में ये बदतमीजी कर रखी है। और वो तो पुतला है बेचारा, वो किसी को कुछ कह भी नहीं सकता, उसके साथ में जिसने बदतमीजी ये करी है उसे पाप लगेगा। चलिए नीचे ही चल के देखते हैं पहले। और नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट लग रहा है मुझे, सामने मुझे आईफोन वगैरह दिखाई दे गए। सलपक, ये मोबाइल एसेसरीज शॉप और बार्बर सलून, ये बच्चों के खेल खिलौने की शॉप है। और ये यहाँ का कोई लोकल ब्रांड है, अलजर डॉट कजाकिस्तान। और ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो ये अंडरग्राउंड मॉल चल रहा है इस टाइम, और ऊपर की तरफ और भी बड़ा है, मैं काफ़ी बड़ा है, मतलब पूरा तो मैं खुद भी नहीं घूम सकता भाई। और ये इंग्लिश होम डेकोर की चीज़ें हैं इसके अंदर, और ये भी होम अप्लाइंसेस की चीज़ें हैं, पूरा बड़ा स्टोर है, अभी खुला ही है, बस खाली है वैसे तो, कोई कस्टमर नहीं घूम रहा। ये बच्चा जॉगिंग कर रहा है देखो ट्रेडमिल पे, यस यस डू इट। उसकी मम्मी यहाँ चिल्ला रही है, वो वहाँ पे खेल रहा है। और ये तो हमारे यहाँ की सोन पापड़ी जैसा कुछ मिठाई है, और ये स्वीट शॉप है, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्वीट हैं यहाँ पे यार, सारे डेजर्ट रखे हुए हैं। और ये कुछ जैम या मतलब लड्डू भी रखा हुआ है मूंगफली का सामने। ये मोबाइल एसेसरी शॉप, और ये सामने आ गया है जनरल स्टोर टाइप का। मैं यहाँ से लेमन वाटर ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत देर से पानी नहीं पिया है। और कुछ भी है यार, यहाँ के मॉल बड़े खूबसूरत हैं वैसे, सब चीज़ें तरीके से तमीज़ से रखी हुई हैं, सुंदर लग रहा है, साफ़ सुथरा कितना है, कितना क्लीन है देखो। एक छोटा सा यहाँ अंदर रेस्टोरेंट भी बना रखा है इन्होंने, कि आप अपना सामान खरीद के यहीं पर खा भी सकते हो बिल करवा के। ये फ्रूट वगैरह रखे हुए हैं यहाँ, फ्रूट के रेट दिखाता हूँ मैं आपको। चलो देखो, मैं अपने इस वाले मोबाइल से पिक्चर क्लिक करूँगा इसका, और ये आएगा 669 kg, यानी कि लगभग 650 टेंगे का 1 kg पड़ेगा ये एप्पल, 120 रुपये कुल। वेरी गुड, तो हमारे इंडिया से सस्ता ही है एक तरह से, क्योंकि सेब भी वैसे काफ़ी बड़ा है, और भी अलग वैरायटी भी रखी है इनके पास में। यहाँ पे और भी अलग अलग रेट के हैं सेब देखो, और अब सेब देख के मेरा मन कर रहा है सेब खाने का। और ये सैंडविच वगैरह ब्रेड वगैरह रखे हैं, 2 अंडे का बॉक्स देखो, सिर्फ 2 अंडे का बॉक्स, और ये बॉयल आए गए, फिर लिखा नहीं है कुछ भी रेट, 280 टेंगे, यानी कि लगभग 50 रुपए के 2 बॉयल आए, यानी 25 रुपए का एक।
ये थोड़ा सा महंगा लगा मुझे। कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी है, देखो 415 टेंगे की ये है पेंटा और 405 लगभग 80 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। इतना महंगा नहीं है, मतलब ये कंट्री जो है सस्ती है भाई, यहाँ पे खाने पीने की मौज है। आज मैं चेंज करता हूँ, आज मैं लेमन नहीं लेता, आज मैं मिंट लेता हूँ, देखते हैं कैसा निकलता है। और यहाँ बियर का भी काउंटर है, बियर दारू नॉर्मल है भाई, एक साथ ही बिकती है यहाँ पे हर जगह। ये चाय की पत्तियाँ रखी हैं सारे में, बहुत बड़ा मॉल है। और टॉफ़ी देख लो भाई, टॉफ़ी का सेक्शन बिल्कुल अलग बना दिया है इन्होंने, और टॉफ़ी भी काफ़ी बड़ी वाली टॉफ़ी है, बहुत बड़ी टॉफ़ी है। लेकिन ये शायद किलो में दे रहे होंगे, एक दो तो नहीं मिलेंगी। आंटी जी एक टॉफ़ी निकाल कर अपनी बेटी को दे रही शायद। चॉकलेट देख रहे हो कितना बड़ा मॉल है, और चीज़ें, और भाई साहब इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है कि आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि क्या लेना क्या छोड़ना है, बहुत वैरायटी है भाई। मुझे कॉफ़ी के पैकेट भी लेने हैं, तो यहाँ छोटा वाले सैशे तो पता नहीं मिलेंगे, नहीं मिक्स वाले तो सब बड़े मिल रहे हैं, ये तो सब बड़े हैं। ये है शायद, ये है कुछ कैपेचिनो का है ये, तो ये डायरेक्ट गर्म पानी में डाल के तैयार हो जाती है कॉफ़ी, इस तरह के पैकेट होते हैं ये। तो मैं अपने पास में ये रखता हूँ बैग में, तो कहीं भी मन करा कॉफ़ी पीने का तो ये पी लिया। इसके अंदर शुगर वुगर सब होता है, और ये 125 टेंगे का मिल रहा है, यानी कि तकरीबन 25 रुपए का ही लगा लो, 22-23 रुपए का होगा जो भी होगा। ये कौन सा है, मैक कॉफ़ी गोल्ड लाते लाते नहीं खाने भाई हमें, तो दो तो ये ले लेता हूँ मैं, और 4-5 ये ले लेता हूँ। वैसे ये मेरा देखा हुआ है, इसका फ्लेवर भी अच्छा है काफ़ी, ये 4 काफ़ी हैं। देखो दारू का सेक्शन आ गया सारा, और दारू पीने वाले इस टाइम खुश हो गए होंगे। ये सब वाइन है, और वही सब वोदका स्कॉच बियर, पूरा काउंटर सजा हुआ है। दारू तो मैं भी नहीं पीता हूँ भाई, मैं बस बियर ले लेता हूँ, वो भी कभी कभी। अभी तो खैर पिछले 5 दिन से मैंने बियर नहीं पिया। और देखो कितना बड़ा शोरूम है यार, पूरा ये वहाँ से वहाँ तक दारू है, जहाँ जहाँ भी आपकी नज़र जा रही है ना इस पर, ये पूरा दारू का शोरूम है भाई पूरा, ओ गॉड। और नॉर्मल बिक्री है, इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं है इनका, मतलब कि अलग से कोई दुकान स्टोर नहीं है दारू का, एक सुपर मार्केट के अंदर ही दारू बिक्री भाई है, देख लो आप। और ये बोतलों के ऊपर जो ये लगाया हुआ है ना इन्होंने लट्टू सा, ये सील्ड है, सब सील है ये, इसको आप अपने बैग के अंदर रख के नहीं ले जा सकते, या इनकी मशीन बोल पड़ेगी एकदम से टू 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 टू, कि कोई आदमी कुछ चुरा के ले जा रहा है। चलिए बाहर चलते हैं और कुछ और देखते हैं यहाँ पर, और एक और कमाल की बात है कि ये जो पैसे लेते देते हैं ना, ये इस काउंटर के ऊपर ही रख के लेते देते हैं, मुझे यहीं पर ही रखने पड़ेंगे ये पैसे, ये यहीं से उठाएगी, यहीं पे मुझे चेंज देगी इसी जगह। हाउ मच टोटल, टोटल 1000 ओके, आई गेव यू चेंज 164, आई गिव यू 10 और। और अब मैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ, और इसमें अंदर इधर की तरफ भी काफ़ी शॉप्स बनी हुई हैं चारों तरफ। तो ये इसका फूड कोर्ट है सबसे ऊपर, और यहाँ पे इन्होंने बच्चों के लिए देखो ये स्लाइड भी लगाया हुआ है, ऐसे चलता रहेगा, और इसके बीच में एक ये भी लगाया हुआ है इन्होंने, ये एकदम से नीचे आता है ऊपर से,
अंदर ही अंदर झूले भी लगा रखे हैं ये जगह। अजीबो गरीब गेम है ये भी, पहले ऊपर जाएगा फिर ऊपर से एकदम से छुट के नीचे आते हैं। ये देखो ये चीज़ बढ़िया बना रखी है इन्होंने, ऊपर ही ऊपर बच्चों की राइड। चलते हैं यार वापस। मैं सच बताऊं तो मुझे कल वाला मॉल मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, सिल्क वे जो था वो ज़्यादा अच्छा था इससे। ये कुछ खास नहीं लग रहा, वो मॉल ज़्यादा लग्जीरियस था, ये कुछ खास नहीं लग रहा मुझे मॉल, जबकि गूगल इसको रिकमेंडेशन में ज़्यादा दे रहा है और उसको नहीं दे रहा है। चलो चलते बाहर चलते हैं, आपको मैं सामने दूसरी लोकेशन पर ले चलता हूँ जो कि मैंने अभी अंदर आते टाइम आपको दिखाई थी। ये देखिए इस मॉल से बाहर निकलते ही सामने की तरफ ये मुझे बहुत सही लग रही है जगह, यहाँ चलते हैं और इसको देखते हैं क्या चीज़ है ये।